हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम द क्लास थर्ड की बुक साइंस में से ये फर्स्ट चैप्टर लिया गया है। तो क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और उनका डिफरेंस क्या होता है, मींस लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में अंतर क्या होता है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले ये फर्स्ट पेज में लीड क्वेश्चंस दिए हुए हैं टू वार्म अप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लीड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज थिंग्स कैन ग्रो ऑन इट्स ओन। नीचे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, बॉल एंड प्लांट। आपने बताना है इन दोनों चीजों में से कौन सी ऐसी चीज है जो ग्रो करती है खुद से। अब आपको पता है कौन सी चीज ग्रो करती है, जो लिविंग थिंग होती है वही ग्रो करती है, नॉन लिविंग थिंग कभी भी ग्रो नहीं करती। लिविंग थिंग्स मीन्स जो जिनमें जान होती है, ओके, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं हम सजीव चीजें, और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं निर्जीव चीजें। जी हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, प्लांट, क्योंकि प्लांट जो है वो खुद से ग्रो करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, विच ऑफ दीज थिंग्स कैन ग्रो ऑन इट्स ओन, टिक किस पे ऊपर करना आपने, प्लांट के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू लाइट। प्लांट्स जो हैं वो लाइट को जो रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो इसका आंसर आएगा यस, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, लाइट की हेल्प से बनाते हैं, तो इसलिए उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस। तो यस के ऊपर आपने टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेसन को पढ़ते हैं अभी हम, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि मैंने पहले बताया, लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव चीज़ें जिनके अंदर जान होती है, या जो चल सकती हैं, जो मूव कर सकती हैं, जो ग्रो कर सकती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जिनके अंदर जान नहीं होती, जो बेजान होती हैं, निर्जीव होती हैं। तो शुरू करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। पौधे, जानवर और ह्यूमन बींग्स, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, लिविंग थिंग्स, फुल स्टॉप। लिविंग थिंग्स नीड फूड, दे कैन मूव, ब्रीथ, ग्रो, फील चेंजेस, रिप्रोड्यूस एंड गिव आउट वेस्ट्स। लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए होता है, लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जो सजीव चीजें होती हैं, उनको खाना चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। दे कैन मूव, वो चल सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह। ब्रीथ, वो सांस ले सकते हैं। ग्रो, वो बढ़ सकते हैं। फील चेंजेस, वो चेंजेस को फील कर सकते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। जैसे वेदर चेंज होता है, गर्मी से सर्दी आती है, तो वो ह्यूमन बीइंग उसको फील कर सकता है कि अभी सर्दी का मौसम है और अभी गर्मी का मौसम है। रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बेबीज को। एंड गिव आउट वेस्ट्स, और वेस्ट्स को जो है वो निकाल सकते हैं। वेस्ट कैसे हो गए, जैसे ह्यूमन बींग के अंदर कौन सा वेस्ट हो गया, स्वेट। स्वेट मींस पसीना। तो हम क्या है, जो हम पसीना जब आता है तो पसीने को हम मूव आउट कर सकते हैं, गिव आउट कर सकते हैं। तो ये होते हैं लिविंग थिंग्स। कौन कौन से लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, फूड नीड, उनको खाना चाहिए होता है, मूव करना होता है, ब्रीथ सांस लेनी होती है, ग्रो बढ़ना होता है, फील चेंजेस जो चेंजेस होती हैं इन्वायरमेंट के अंदर उसको हम फील कर सकते हैं, जो कोई भी चेंज हो सकती है, रिप्रोड्यूस करते हैं और गिव आउट वेस्ट करते हैं। अब शुरू करते हैं पहले कि लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स जो है वो जो मूव कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। लिविंग थिंग्स जो होती हैं, सजीव चीज़ें जो होती हैं, जिनके अंदर जान होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, किसकी खोज में, ऑफ फूड, सर्च ऑफ फूड, खाने की खोज में, एंड शेल्टर। शेल्टर मीन्स रहना, रहना जहाँ पे हम रहते हैं, तो उसकी खोज में लिविंग थिंग्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे एनिमल्स हो गए,
एनिमल्स खाने की खोज में यहाँ से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो एक जगह से वो दूसरी जगह मूव आउट करते रहते हैं। और शेल्टर, शेल्टर क्या होता है, जहाँ पे वो आराम से रह सके, तो उसकी खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर सकते हैं। एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स यूज देयर लेग्स टू वॉक एंड रन। ह्यूमंस और एनिमल्स वो क्या यूज करते हैं, लेग्स, अपनी टांगों का यूज करते हैं टू वॉक, चलने के लिए, एंड रन और दौड़ने के लिए, फुल स्टॉप। फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। फिश जो है वो स्विम करती है, तैरती है किसकी हेल्प से, अपनी फिन्स। और फिन्स क्या होते हैं, जिसकी हेल्प से वो, उसका फिश का एक ऑर्गन है जिसकी वजह से वो तैर सकती है, जहाँ फिर हम बोल सकते हैं पंख। फिन को क्या बोल सकते हैं, हम पंख भी बोल सकते हैं। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिन्स को जो है वो बोल्ड किया हुआ है विद कलर के साथ, तो ये वाले जो वर्ड्स हैं वो अपनी नोटबुक के ऊपर ज़रूर उतारें और उनका मीनिंग साथ साथ में लिखते जाएं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आते हैं, जैसे फिन्स है, तो फिन्स क्या होते हैं, पंख होते हैं किसके, मछली के। तो मछली स्विम कर सकती है, तैर सकती है, स्विम कर सकती है किसकी हेल्प से, फिन की हेल्प से, फुल स्टॉप। वर्ड्स एंड बटरफ्लाइज फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। वर्ड्स और बटरफ्लाइज जो होती हैं, बटरफ्लाइज क्या होती हैं ये आपको पता होगा, वर्ड्स क्या होते हैं ये भी आपको पता है, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं किसकी हेल्प से, विंग्स। विंग्स क्या होगी, उनके पंख जो होते हैं, तो उसकी हेल्प से वो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। फिर आता है टॉपिक प्लांट्स। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जी हाँ, प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। दे शो सम मूवमेंट्स इन देयर पार्ट्स। वो कुछ अपने पार्ट्स, जो उनके पार्ट्स होते हैं, चाहे वो रू स्टेम्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, जो उनकी लीव्स होती हैं, तो उनके अंदर वो अपनी मूवमेंट जो है वो शो कर सकते हैं। द सन फ्लावर चेंजेस इट्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन। अब सनफ्लावर जो होता है, चंद्रमुखी का जो पौधा होता है, वो क्या करता है, चेंज इट्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन। सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंगली वो अपने डायरेक्शन चेंज करता है। द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड। अब मिमोसा क्या होता है, मिमोसा एक प्लांट का नाम है, एक पौधे का नाम है, जिसको हम, जिसका नाम और दूसरा नाम क्या है, टच मी नॉट, ब्रैकेट में दिया हुआ आपको टच मी नॉट। तो ये इनके जो मिमोसा ट्री है, प्लांट जो है, उसके लीव्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं जब हम उसको टच करते हैं, मीन जैसे हम उसको छूते हैं तो वो अपने लीव्स को क्या करता है, क्लोज कर लेता है, बंद कर लेता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमने पढ़ा अभी, क्या पढ़ा हमने, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकती हैं। एनिमल्स जो है वो कैसे मूव कर सकते हैं, फ्रॉम द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। और प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर सकते, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स में दो चीज़ें आ गई आपकी, एक वो चीज़ें जो मूव कर सकती हैं, एक वो चीज़ें जो मूव नहीं कर सकती। जैसे प्लांट्स हो गए, वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, वो एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन वो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ग्रो करते हैं, वो टाइम टू टाइम वो ग्रो करते हैं। अगर आज आप पौधा लगाएंगे तो 10 साल के अंदर आप देखेंगे वो ग्रो कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए वो लिविंग थिंग्स के अंदर काउंट होता है। आगे पढ़ते हैं, पहला टॉपिक था हमारा लिविंग थिंग्स कैन मूव, अब है लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को जो होता है वो खाना चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए होता है जीवित रहने के लिए और ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। फूड गिव्स लिविंग थिंग्स एनर्जी टू वर्क। खाना जो है वो लिविंग थिंग्स को क्या देता है, एनर्जी देता है, शक्ति देता है टू वर्क, काम करने के लिए। फूड ऑल्सो हेल्प्स देम टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। खाना जो है वो और किस चीज़ में हेल्प करता है लिविंग थिंग्स में, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। अब लिविंग थिंग्स नीड फूड में दो चीज़ें आ जाती हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स को फूड किस तरह से चाहिए होता है, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। एनिमल्स जो होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनका जो खाना है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्लांट्स के ऊपर और अदर एनिमल्स या फिर दूसरे जानवरों। दूसरे आते हैं प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट।
जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की हेल्प, एयर की हेल्प और पानी की हेल्प से अपना खाना खुद से बनाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसे हमें क्या पता चलता है कि लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए होता है, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हों। अब नीचे आपको तीन पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। पहली पिक्चर में मोहन ईट्स हिज फूड। अब मोहन क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो खाना खा रहा है क्योंकि वो लिविंग थिंग है। ए कैट लैप्स अप मिल्क, कैट जो है वो दूध पी रही है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, कैट भी क्या है, लिविंग थिंग के अंदर आता है क्योंकि वो खाना खा रही है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, अब ग्रीन प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए किन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अभी आपने ऊपर पढ़ा, सनलाइट, सूरज की रोशनी, एयर, हवा और पानी की। इन तीनों चीज़ों की हेल्प से प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। दूसरा हमने क्या पढ़ा, लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए होता है एनर्जी लेने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए, जबकि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स अब क्या कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं। दो चीज़ें पहले हम पढ़ चुके हैं, लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरा हमने पढ़ा लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, वो फूड चाहिए होता है उनको जीवित रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए और एनर्जी गेन करने के लिए। अब तीसरी चीज़ है लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स जो है वो उनको सांस की ज़रूरत होती है, वो ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, हर एक लिविंग थिंग को हवा चाहिए होती है सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। पहले पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स, एनिमल्स के अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं। Humans and many animals breathe through their noses. Humans means हम आगे, and many animals और बहुत सारे जीव जंतु वो किसके हेल्प से ब्रीथ करते हैं, किसके हेल्प से सांस लेते हैं, अपने नोज की हेल्प से, नाक की हेल्प से। Frogs can breathe through their skins as well. Frogs जो मेंढक होते हैं वो किसकी हेल्प से सांस लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन, वो अपनी स्किन की हेल्प से सांस ले सकते हैं। कॉकरोचेस, ग्रास होपर्स एंड बटरफ्लाइज हैव स्मॉल एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज फॉर ब्रीथिंग। अब ये वाले जीव जंतु जैसे कॉकरोचेस हो गए, ग्रास होपर्स जैसे मैं आपको बताऊं, हेलीकॉप्टर जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं हेलीकॉप्टर, जो ग्रीन कलर का होता है, एंड बटरफ्लाइज हैव स्मॉल एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज। अब ये जो जीव जंतु हैं इनकी बॉडीज के ऊपर छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। ठीक है, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, फिश जो है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिसकी हेल्प से एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और जो दूसरे जीव जंतु हैं वो सांस ले सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग किसकी हेल्प से सांस ले सकते हैं, नोज की हेल्प से। और भी जैसे कैट, डॉग, ये भी किसकी हेल्प से ब्रीथ कर सकते हैं, नोज की हेल्प से। अब कुछ जीव जंतु हैं जैसे कॉकरोचेस, ग्रास होपर्स एंड बटरफ्लाइज, इनकी बॉडी में छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो सांस ले सकते हैं, और फिश जो है वो सांस ले सकती है थ्रू गिल्स। अब आते हैं प्लांट्स के केस में, प्लांट्स हैव स्मॉल पोर्स, स्टोमेटा। प्लांट्स के अंदर जो है उनकी लीव्स के अंदर, ऑन देयर लीव्स विच हेल्प देम ब्रीथ, प्लांट्स की लीव्स के अंदर उनके पत्तों के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिसकी हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्मॉल पोर्स मीन्स प्लांट का कौन सा ऑर्गन है या कौन सा पार्ट है जिसकी हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं, आंसर क्या आएगा इसका, स्टोमेटा। स्टोमेटा इज द पार्ट ऑन देयर लीव्स फ्रॉम विच दे ब्रीथ। अब नीचे आपको दो डायग्राम्स दी हुई हैं, दो पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू देयर नोजेस, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सांस लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर नोज, अपने नाक की हेल्प से,
और प्लांट्स जो है वो ब्रीथ करते हैं थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा मीन्स स्मॉल पोर्स इन देयर लीव्स। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव चीजें होती हैं उनको सांस लेने की जरूरत नहीं होती। अब नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ टेबल, चेयर, फैन, इनको कभी भी सांस लेने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये मैन मेड थिंग्स के आती है जिसको आदमी ने बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। लिविंग थिंग्स ग्रो, ऊपर हमने पढ़ा लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, एंड एक और टॉपिक पढ़ा हमने लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती हैं। कैसे बढ़ती हैं वो? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम के बाद जो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, वो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। जैसे एनिमल्स, ए बेबी ग्रोज इंटू एन अडल्ट। एक जो छोटा बेबी होता है वो कुछ टाइम के बाद एक अडल्ट की शेप में आ जाता है, मीन्स बड़ा हो जाता है। अडल्ट क्या होता है? बड़ा। प्लांट्स क्या होते हैं? ए सीड ग्रोज इंटू ए ट्री। सीड क्या होता है? बीज। अब अगर आज हम बीज लगाते हैं किसी भी पौधे का, तो कुछ टाइम के बाद 5 साल, 2 साल, 10 साल के बाद वो क्या बन जाता है? एक पौधे का रूप ले लेता है, एक बड़ा सा पौधा बन जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, मीन्स पहले छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो वो क्या कर रहे हैं? टाइम टू टाइम वो ग्रो कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता चला जा रहा है, वो दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हैं। उसी तरह ह्यूमन बींग्स होते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, तो छोटा सा बच्चा पहले छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, तो वो बच्चे से फिर थोड़ा और ग्रो करता है, तो धीरे धीरे वो क्या बन जाता है? एक अडल्ट बन जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है। जैसे नीचे आपको फिगर में दिया हुआ है, बेबी ग्रोज इंटू एन अडल्ट। एक छोटा सा बच्चा है, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर एक अडल्ट की शेप में आ गया। और साइड में एग्जांपल दी है, राइट साइड में, ए सीड ग्रोज इंटू अ ट्री। एक छोटा सा बीज था, वो ग्रो करते करते एक प्लांट का रूप ले लिया, उसने एक ट्री का रूप ले लिया। और नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बॉल्स एंड नोटबुक्स डू नॉट ग्रो। अब नॉन लिविंग थिंग्स जैसे बॉल हो गई, नोटबुक हो गई, ये कभी भी ग्रो नहीं करती। अगर आज नोटबुक आपकी उस शेप में है, तो 10 साल के बाद भी वो उसी शेप में रहेगी, वो बड़ी नहीं होगी। तो वो क्या आ जाती है? नॉन लिविंग थिंग में। अब आगे आता है लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स जो है वो फील कर सकती हैं चीज़ों को। लिविंग थिंग्स फील द चेंजेस अराउंड देम। कॉकरोचेस एंड बटरफ्लाइज हैव एंटीना विच हेल्प देम फील चेंजेस अराउंड देम। कॉकरोचेस और बटरफ्लाइज जो है वो उनके अंदर एंटीना होता है एक तरह का। आपने देखा होगा कि उनके सर के ऊपर 2 एंटीनाज बने होते हैं जो हेल्प करते हैं उनको चेंजेस जो उनके आसपास में हो रही हों उनको रिकग्नाइज करने के लिए, महसूस करने के लिए, फील करने के लिए। फील क्या होता है? महसूस करने के लिए। एनिमल्स में पढ़ते हैं, वी फील चेंजेस अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ अवर सेंस ऑर्गन्स। हमें जो चेंजेस फील होती हैं, महसूस करती हैं, महसूस होती हैं, वो हम अपने सेंस ऑर्गन की हेल्प से जो है वो उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सच एज आइज, आइज से हम अपनी आँखों से क्या महसूस कर सकते हैं? देख सकते हैं हम। नोज से हम स्मेल कर सकते हैं कि आज क्या बना है, ये किसकी स्मेल है। ईयर से हम सुन सकते हैं, टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं, और स्किन से हम महसूस कर सकते हैं। अगर आपको कोई कांटा चुभाता है, तो स्किन हमारी क्या करती है? उसको फील करती है, एहसास करती है, दर्द का एहसास होता है हमें। तो नीचे आपके कुछ सेंस ऑर्गन्स आपको पिक्चर्स नज़र आ रही है, आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन। तो ये लिविंग थिंग्स की सेंस ऑर्गन्स हैं। फिर बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स कैन ऑल्सो फील। प्लांट्स जो है वो भी फील करते हैं, उनको भी महसूस होता है। द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट। अब टच मी नॉट प्लांट मैंने आपको पहले बताया कौन सा प्लांट होता है, जिसको टच करने पे वो अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है, व्हेन यू टच देम। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील द चेंजेस अराउंड देम। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव चीज़ें हैं, वो कुछ भी चीज़ को फील नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। आगे है वर्क कॉर्नर। अब ये 3 फिलअप्स आपको दी हैं, ये आपने ऊपर जितना भी आपने पढ़ा है उसकी हेल्प से आपने ये फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट है, बटरफ्लाइज हैव डैश टू ब्रीथ। बटरफ्लाइज में क्या होता है जिसकी हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं? क्या चीज़ होती है वो? एयर होल्स होते हैं। क्या होते हैं? अभी आपने ऊपर पढ़ा था, एयर होल्स। बटरफ्लाइज हैव एयर होल्स टू ब्रीथ।
बटरफ्लाइज जो वो एयर होल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। फिर सेकंड है ए सीड ग्रोज इनटू अ, एक सीड जो है वो ग्रो होके क्या बन जाता है, ट्री। इसका आंसर क्या आएगा, ट्री। ए ग्रो ए सीड ग्रोज इनटू अ ट्री, एक बीज अगर आज आप लगाते हैं तो कुछ साल के बाद देखेंगे वो किसका रूप ले लेगा, एक ट्री का, एक प्लांट का रूप ले लेगा। तो इसका आंसर आएगा ट्री। सेकंड फिलअप में आएगा ट्री, टी आर डब्ल्यू। थर्ड, लिविंग थिंग्स कैन डैश द चेंजेस अराउंड देम। लिविंग थिंग्स कौन सी चेंजेस आसपास में है उसको क्या कर सकते हैं, वो फील कर सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स कैन फिलअप में क्या आएगा, फील द चेंजेस अराउंड देम। तो ये तीन फिलअप्स थे, ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर उतारने हैं और तीनों के आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारा लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं देयर यंग वंस को, मीन्स रिप्रोड्यूस का मीनिंग क्या हो गया, पैदा कर सकते हैं वो बच्चों को। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस बेबीज, लिविंग थिंग्स जो है वो बेबीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं बच्चों को। एनिमल्स के बारे में, जैसे ह्यूमन विंग्स एंड सम एनिमल्स, ह्यूमन विंग्स जैसे हम हो गए एंड कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक काउज डॉग्स कैट्स, गिव बर्थ टू द बेबीज, वो बच्चों को पैदा कर सकते हैं। बर्ड्स स्नेक्स फ्रॉग्स फिश एंड इंसेक्ट ले एग्स, ये जो जीव जंतु हैं जैसे बर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, सांप हो गए, फ्रॉग्स मेंढक हो गए, फिश हो गई एंड इंसेक्ट्स, और जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, ले एग्स, ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं, एग देते हैं। देयर बेबीज हैच आउट ऑफ दीज एग्स, उनके जो बच्चे हैं वो उन अंडों को फोड़ के बाहर निकलते हैं। प्लांट्स, प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स सच एज सीड्स स्टेम्स लीव्स एंड रूट्स। प्लांट्स जो हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स है, सच एज सीड हो गया, सीड स्टेम लीव्स एंड रूट से। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो निर्जीव चीज़ें हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। अब जैसे नीचे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ह्यूमन विंग्स गिव बर्थ टू बेबीज, ह्यूमन विंग्स जो हैं वो बर्थ दे सकते हैं, बेबीज को पैदा कर सकते हैं। वर्ड्स ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज हैच आउट, जो वर्ड्स हैं जैसे हैन हो गई, स्नेक हो गया, फ्रॉग हो गया, ये एग्स देते हैं, मीन्स अंडे देते हैं, और उन अंडों को हैच आउट करके उनके बेबीज जो हैं वो बॉर्न होते हैं। सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, सीड अगर आ सीड क्या होता है, बीज, तो बीज से एक क्या बनता है, पौधा बनता है, ट्री बनता है, प्लांट बनता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं। आगे पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स गिव आउट वेस्ट, लिविंग थिंग्स जो है वो वेस्ट को जो है वो बाहर निकाल सकते हैं या वेस्ट गिव आउट कर सकते हैं। एनिमल्स, जैसे एनिमल्स गिव आउट वेस्ट सच एज यूरिन एंड स्वेट, एनिमल्स जो है वो वेस्ट को बाहर निकालते हैं, जैसे कौन से वेस्ट हो गए, यूरिन, यूरिन और स्वेट। स्वेट क्या होता है, पसीना, यूरिन क्या होता है, पेशाब जिसको बोलते हैं। अवर नोज हेल्प्स अस टू रिमूव इम्प्योर एयर, हमारा जो नाक है वो हमें क्या हेल्प करता है, इम्प्योर एयर, इम्प्योर क्या होता है, गंदी हवा, जहाँ जो साफ हवा नहीं होती है उसको रिमूव करने के लिए हमारा नोज हेल्प करता है, हमारा नाक हेल्प करता है उसको रिमूव करने के लिए। अवर स्किन हेल्प अस टू रिमूव स्वेट, हमारी जो स्किन है वो हमें हेल्प करती है पसीने को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट, प्लांट्स में, प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स, प्लांट्स रिमूव वेस्ट गैसेस एंड एक्सेस वाटर थ्रू लीव्स, प्लांट्स जो है वो वेस्ट गैसेस होती हैं, जो गैस होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, और एक्सेस वाटर, अगर पानी ज़्यादा है तो उसको रिमूव करने के लिए वो अपनी लीव्स की हेल्प से रिमूव करते हैं। दे आल्सो रिमूव वेस्ट थ्रू देयर वॉक्स, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉक्स की हेल्प से भी रिमूव करते हैं। अब बॉक्स है, बॉक्स का मीनिंग आप ढूंढिए डिक्शनरी में कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो डार्क वर्ड्स किए हुए हैं, बोल्ड वर्ड्स किए हुए हैं, इनको अपनी नोटबुक के ऊपर उतारिए और इनके वर्ड मीनिंग लिखिए। अब आगे है वर्क कॉर्नर, ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर उतारना है। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंस बताने हैं आपने। जैसे मूवमेंट, अब मूवमेंट में प्लांट
और एनिमल में क्या डिफरेंस होगा। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, प्लांट्स में क्या आएगा, यहाँ पे इस बॉक्स में जो प्लांट वाला बॉक्स है उसके अंदर क्या आएगा, नो मूवमेंट, दे शो लिटल मूवमेंट्स इन देयर पार्ट्स। प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं, वो स्टैंड स्टिल रहते हैं, वो एक ही जगह पर रहते हैं, वो बस अपने कुछ पार्ट्स को जो है वो मूव कर सकते हैं। जैसे टच मी नॉट प्लांट था, अगर उसको टच करें हम तो अपनी लीव्स को क्या कर सकता है, वो क्लोज कर लेता है, ठीक है। तो एनिमल्स में क्या आएगा, देर इज मूवमेंट, एनिमल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं, तो उसमें क्या आएगा, एनिमल वाले सेक्शन में देर इज मूवमेंट। नेक्स्ट है ईटिंग। अब प्लांट्स ईटिंग कैसे करते हैं, वो किसकी हेल्प से ईट करते हैं, किसकी हेल्प से फूड बनाते हैं, इसमें आएगा यूज सनलाइट एयर एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड। और एनिमल में क्या आएगा, एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे। जैसे पीछे पढ़ा हमने, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो एनिमल वाले सेक्शन में क्या आएगा, डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड। एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर या दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना खाना खाने के लिए। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। प्लांट्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं और एनिमल्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो पहले प्लांट्स के बारे में लिखेंगे। प्लांट्स में आएगा प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स सच एज सीड्स, स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स, इसका आंसर ये आएगा। और एनिमल्स वाले सेक्शन में क्या आएगा, ह्यूमन बीइंग्स एंड सम एनिमल्स लाइक काउ, डॉग एंड कैट गिव बर्थ टू बेबीज, बर्ड, स्नेक, फ्रॉग, फिश एंड इंसेक्ट ले एग्स। ओके, ह्यूमन बीइंग्स और जो दूसरे एनिमल हैं लाइक जैसे काउ हो गया, डॉग और कैट, ये बेबीज को बर्थ दे सकते हैं, लेकिन जो दूसरे इनके अलावा जो एनिमल्स आते हैं जैसे बर्ड, पक्षी, स्नेक, फ्रॉग, फिश, ये क्या करते हैं, ये एग्स देते हैं, और एग्स के थ्रू जो है वो इनके यंग बॉर्न्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं। अब आता है फीचर ब्रीथिंग के बारे में, ब्रीथिंग प्लांट्स किस तरह से करते हैं और एनिमल्स किस तरह से करते हैं, तो पहले प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स का आंसर क्या आएगा, ग्रीन प्लांट्स हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ। ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, तो उसकी हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। जबकि ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से सांस लेते हैं, ह्यूमंस एंड मैनी एनिमल्स ब्रीथ इन थ्रू देयर नोजेस। एनिमल्स किस तरह से ब्रीथ करते हैं, अपने नाक की हेल्प से, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे आ जाता है नेक्स्ट पेज पे, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का डिफरेंस किस तरह से है, उनके अंदर क्या समानताएं हैं, ठीक है, डिफरेंस या असमानताएं हैं। लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये आप पढ़ के इसको अपनी नोटबुक के ऊपर उतार सकते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस। आगे वर्ड्स एट आ जाता है, ये डेफिनेशंस दी हुई हैं, लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, थिंग्स दैट कैन मूव, ग्रो, फील, ब्रीथ, प्रोड्यूस एंड ईट फूड। तो ये भी अपनी नोटबुक के ऊपर उतारिए, लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन, नॉन लिविंग थिंग्स की, स्टोमेटा, एंटीना एंड रिप्रोडक्शन की, ठीक है। ये ब्रेन मैप है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया गया है। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, वो फूड नीड, फूड चाहिए होता है, मूव कर सकती हैं, फील चेंजेस हो सकता है उनके अंदर, ग्रो करती हैं, सांस लेती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट ए, ए पार्ट जो है उसके ऊपर मूव करते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नीचे आपको तीन तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने जो सही ऑप्शन होगा उसके ऊपर टिक करना है। अभी आपने लेसन पढ़ लिया है तो शुरू करते हैं कि किस किस को ये क्वेश्चंस जो हैं वो अभी आ जाते हैं। पूरा लेसन हमने पढ़ा है तो अब उस लेसन के बेस के ऊपर हम ये क्वेश्चंस जो हैं वो अभी अटेम्प्ट करेंगे। इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा और अपनी नोटबुक के ऊपर ज़रूर उतारिएगा, ये हर एक क्वेश्चन आपके लिए करना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स। नीचे तीन ऑप्शंस दिए हैं, ट्री, फिश एंड प्लेट। आपने बताना है कि इन तीनों में से कौन सी चीज़ है जो नॉन लिविंग थिंग के अंदर, और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं जो ना तो मूव कर सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं, ना चल सकते हैं, जिनके अंदर जान नहीं होती है। तो कौन सा आएगा, ट्री जो है वो लिविंग थिंग है, फिश वो भी लिविंग थिंग है, लेकिन प्लेट, प्लेट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा,
प्लेट के ऊपर आपने टिक करना है, प्लेट के आगे जो बॉक्स बना है उसके आगे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज यूज फिन्स टू मूव। फिन्स की हेल्प लेके कौन सी इन तीनों में से चीजें हैं जो मूव करती हैं, बर्ड, फिश या बटरफ्लाई? तो इसका आंसर क्या आएगा, फिश आएगा। ऊपर लेसन में आपने पढ़ा है कि फिश जो है वो अपनी फिन्स की हेल्प से मूव करती हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज प्लांट लीव्स क्लोज व्हेन टच्ड। कौन सा ऐसा प्लांट है जो अपनी लीव्स को, अपने पत्तों को जो है वो क्लोज कर लेता है अगर हम उसको टच करें तो? तो कौन सा प्लांट होता है, मैंने ऊपर बताया आपको कौन सा होता है, वो मिमोसा प्लांट, सी पार्ट, मनी प्लांट, कोरिएंडर या फिर मिमोसा प्लांट। तो आंसर क्या आएगा, सी पार्ट, मिमोसा प्लांट के आगे जो बॉक्स बना है उसके ऊपर टिक करना है आपने। फोर्थ है, विच ऑफ दीज एनिमल्स कैन ले एग्स। कौन से एनिमल्स जो हैं वो एग्स देते हैं और एग देने के बाद उनके बेबीज जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, स्नेक, डॉग या काऊ? तो ऊपर आपने पढ़ा अभी आपने कौन सा एनिमल है, स्नेक है। तो स्नेक के आगे जो बॉक्स बना है उसके ऊपर आपने क्या करना है, टिक करना है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक वर्ड के अंदर आपने इसका आंसर देना है, ये जो दिए हैं आपको इनका आपने एक वर्ड के अंदर आंसर देना है। तो पढ़ते जाते हैं और आंसर इनको करते जाते हैं, आपने अपनी नोटबुक के ऊपर उतारते जाना है। दीज, फर्स्ट क्वेश्चन है, दीज हेल्प वर्ड्स टू फ्लाई। कौन सी ऐसी चीज है जो वर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करती है? तो वर्ड्स के क्या होते हैं जिससे वो उड़ते हैं, विंग्स होते हैं। तो फर्स्ट का क्या आंसर आएगा, विंग्स, WINGS, विंग्स। सेकेंड है, द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। तो ऐसा क्या होता है, इसका वन वर्ड आंसर क्या आएगा, रिप्रोडक्शन। आप अपनी नोटबुक के ऊपर उतारते जाइए। दीज हेल्प फिश टू स्विम। कौन सी चीज होती है जिससे फिश जो है वो स्विम करती है? तो क्या होते हैं वो, क्या बोलते हैं उनको, फिन्स, FINS, फिन्स। आगे फोर्थ है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स विच हेल्प प्लांट्स ब्रीथ, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। इसका आंसर क्या आएगा, स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ, दीज हेल्प कॉकरोचेस टू ब्रीथ। इसका आंसर क्या आएगा, दीज हेल्प कॉकरोचेस टू ब्रीथ, एयर होल्स। इसका आंसर क्या है, एयर होल्स। नेक्स्ट है, दिस हेल्प्स अस टू रिमूव द स्वेट। एट्थ पार्ट जो है, स्वेट को रिमूव करने के लिए कौन सा आंसर आएगा इसका, अभी आपने पढ़ा इसमें, वो क्या आएगा, स्किन्स। जी हाँ, आई थिंक सेवन नहीं किया हमने, दीज हेल्प अस टू फील द चेंजेस अराउंड अस। सेवन्थ का आंसर क्या आएगा, इसका आएगा सेंस ऑर्गन्स, और एट्थ का आएगा स्किन्स। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम मूव आउट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस भी बोलूँगा और इनके आंसर भी बोलता जाऊँगा। आपने इस वीडियो को देख के उनके आंसर जो है आप अपनी नोटबुक के ऊपर उतारते जाना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई डू लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाती हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा, लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं किस चीज़ की खोज के लिए, फूड और शेल्टर की खोज के लिए। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक देयर ओन फूड। इसका आंसर आएगा, प्लांट्स नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड। क्वेश्चन क्या था, प्लांट्स को किस चीज़ की जरूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए? तो खाना बनाने, प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से खाना बनाते हैं, किसकी हेल्प से बनाते हैं, तीन चीज़ों की हेल्प से, सनलाइट, एयर एंड वाटर। तो आंसर क्या आएगा, प्लांट्स नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू कॉकरोचेस एंड बटरफ्लाइज फील द चेंजेस अराउंड देम। इसका आंसर क्या आएगा, कॉकरोचेस एंड बटरफ्लाइज हैव एंटीना विच हेल्प देम टू फील द चेंजेस अराउंड देम। बटरफ्लाइज और कॉकरोचेस के पास क्या होता है, एंटीना होता है उनके सर के ऊपर, जो उनकी हेल्प करता है चेंजेस को फील करने के लिए कि उनके आसपास में क्या चेंजेस हो रही हैं।
एक बार फिर से मैं इसका आंसर बोल देता हूँ। कॉकरोचेस एंड बटरफ्लाइज हैव एंटीना विच हेल्प देम टू फील द चेंजेस अराउंड देम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। हाउ डू वी फील द चेंजेस अराउंड अस। हम जो चेंजेस आती हैं हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास हम उसको किस तरह से फील कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा वी फील द चेंजेस अराउंड अस थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स एज आईज नोज ईयर्स टंग एंड स्किन। तो जैसे ही कोई चेंजेस आती है तो हम अपने सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से उसको फील कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसका आंसर बोल देता हूँ। वी फील द चेंजेस अराउंड अस थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स एज आईज नोज ईयर्स टंग एंड स्किन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि बेबीज को पैदा करना, तो इसका आंसर क्या आएगा। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ वंस ओन काइंड टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ आफ्टर दे डाई। ठीक है, यहां तक सुन लिया आपने। अब इसके बाद आएगा एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय टू वेज। एनिमल्स जो है वो दो तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सा। फर्स्ट पार्ट, ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स लाइक काउ डॉग एंड कैट गिव बर्थ टू बेबीज। बर्ड स्नेक फ्रॉग फिश एंड इंसेक्ट ले एग्स। फुल स्टॉप। आगे पैराग्राफ में किस तरह से लिखना आपने। प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स सच एज सीड्स स्टेम्स लीव्स एंड रूट्स। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं अभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू कैमल्स बर्ड्स एंड फिश मूव। कैमल्स बर्ड्स और फिश जो है वो किस तरह से मूव करते हैं, तो इसका आंसर आएगा पहले कैमल्स के लिए। कैमल्स किसकी हेल्प से मूव करते हैं। कैमल्स यूज देयर लेग्स टू मूव अराउंड। फिर सेकंड लिखना है आपने बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स किस तरह से मूव करते हैं। बर्ड्स यूज देयर विंग्स टू मूव अराउंड। बर्ड्स किसकी हेल्प से मूव करते हैं, अपने विंग्स की हेल्प से, अपने पंखों की हेल्प से। और थर्ड है फिश। तो फिश में आएगा फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मूव आउट करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू ग्रास होपर्स एंड बटरफ्लाइज ब्रीद। ग्रास होपर्स और बटरफ्लाइज जो हैं वो किस तरह से किसकी हेल्प से ब्रीद करते हैं, सांस लेती हैं। तो इसका आंसर आएगा ग्रास होपर्स एंड बटरफ्लाइज हैव स्मॉल एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज फॉर ब्रीदिंग। ये था इसका आंसर। चलिए मूव आउट करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Why do living things need food? Living things को खाने की क्यों ज़रूरत होती है। तो ये आपने ऊपर पढ़ा कि living things को खाने की क्यों ज़रूरत होती है। एनर्जी लेने के लिए, ताकि वो काम कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे। Living things need food to live and grow. Full stop. Food gives living things energy to work. Full stop again. Food helps them to become strong and healthy. Full stop. ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th के ऊपर। How do animals reproduce? Animals जो हैं वो किस तरह से reproduce करते हैं? इसका आंसर है Human beings and some animals like cow, dog and cat give birth to babies. Full stop. Bird, snake, frog, fish and insect lay eggs. तो ये था क्वेश्चन 4th का आंसर। आगे जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। हाउ डू एनिमल्स गिव आउट वेस्ट। इसका आंसर आएगा एनिमल्स गिव आउट वेस्ट सच एज यूरिन एंड स्वेट। फुल स्टॉप। अवर नोज हेल्प्स अस टू रिमूव इम्प्योर एयर। फुल स्टॉप। अवर स्किन हेल्प्स अस टू रिमूव स्वेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर। तो यहाँ पे आपकी ये आई थिंक एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम कमेंट में आपका ज़रूर वो आंसर लिख के भेजेंगे।
और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो, कुछ चैप्टर में से ना समझ आया हो, तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो। तो ये क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए था। तो क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एक्सरसाइज को, जितनी भी एक्सरसाइज हमने की हैं, वो उसको अपनी नोटबुक के ऊपर ज़रूर उतारें। सो थैंक यू सो मच।